रूट फाइव रैशनल नंबर मैंने अपोजिट मान लिया, इरेशनल की जगह पे क्या मान लिया, रैशनल मान लिया, और जब रैशनल है तो इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेवन रूट फाइव by q की फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे क्या है q जीरो के बराबर नहीं है, p and q आर को प्राइम, p and q आर को प्राइम, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये को प्राइम है, जब को प्राइम है तो सेवन को इधर ले आओ भाई, अब अगला स्टेप क्या है, सेवन को इस साइड में ले आओ, पी और क्यू, सेवन आ गया, ठीक है सेवन लिया, अब यहाँ पे तो इसको साइड में छोड़ो, अब यहाँ पे एक नया सपोजिशन नए तरीके से मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या है, लेट फिर से करो, रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, वैसे बहुत तरीके हैं इसको आगे भी, यहाँ यहीं से आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो एक ही पैटर्न याद रखो तो इसे आसान रहेगा, तो 5 को मैंने क्या ले लिया, 5 रूट 5 को क्या ले लिया, a बाई बी के बराबर होगा क्योंकि रैशनल है, तो और b क्या है, b के b 0 के बराबर नहीं है, और a और b क्या है, को प्राइम है, को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर या एच सी एफ 1 होना चाहिए, तो दो नंबर के बीच का एच सी एफ या कॉमन फैक्टर को 1 होना चाहिए, ठीक है और कुछ नहीं, वन के अलावा कुछ नहीं, तब तो ये को प्राइम है, अब यहाँ तक बात समझ में आ जाते हैं, बी को इस साइड में शिफ्ट करो, बी को दूसरे साइड में शिफ्ट करा तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव बी और ये ए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे क्या आया, फाइव क्या आएगा, फाइव फाइव बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो अब फाइव किसको डिवाइड कर सकता है, इधर डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता, इधर डिवाइड करेगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, फाइव डिवाइड्स पहले लाइन, फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर एज वेल एज ए एज वेल एज ए, अब ऐसे ही यहाँ पे जो ये पोर्शन हमने लिखा है तो मैंने मान लिया वन, क्या मान लिया वन, ये क्या मान लिया हमने, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए की जगह पे फाइव एम स्क्वायर, फाइव एम तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो पहले पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, दैट ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू फाइव एम और पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दिया, अब यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसमें पुट करेंगे तो फाइव की तो साइड में रहने दो, ये ए की जगह पे होगा तो फाइव एम स्क्वायर ये हो जाएगा, फाइव बी एम की जगह पे क्या हो जाएगा, 25 और ये कट होगा, कट करा मैंने ये कितना आया, 5 आया, बी स्क्वायर 5 एम के बराबर होगा, यस या नो, अब यहाँ पे जो 5 है किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर एज वेल एज बी स्क्वायर एज वेल एज बी एज वेल एज बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे लिखा था ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था को प्राइम है मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है बी की टर्म में, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, ए की टर्म में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा तो सपोजिशन क्या है, कॉमन फैक्टर तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो लिखेंगे हियर 5 एज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी तो आवर एजम्पशन
वॉज रॉन्ग एट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर. तो रूट फाइव एंड इरेशनल हैंस सेवन रूट फाइव ऑल्सो एंड इरेशनल.